हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सरी ट्रेडर्स में। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ इशू थे, मेरे जो सर पे थे वो दीवार गिर गया था, पर अब वीडियो लगातार आएंगे। मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरने पर जल्दी यूट्यूब पर लाइव आएंगे, तो वहाँ पर हम डेली आपके साथ टॉक करेंगे। वहाँ पर आने से पहले आज के लिए हम जो स्टॉक्स बात करने वाले हैं, साथ में ही बात करेंगे हम स्टॉक ऑप्शन, जो कौन से ऑप्शन आप अपने वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हो, कौन से मतलब बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। और साथ में ही वीडियो चोला इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में खोले तो इस स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस, ठीक है, जो NSE पर रजिस्टर्ड है वो चोला फाइनेंस है। इस स्टॉक का मैंने 540 का कॉल ऑप्शन दिया था 16 रुपये पर बाइंग करने के लिए। कल भी आप 540 के कॉल ऑप्शन, याद रखिएगा 540 का कॉल ऑप्शन आप इस स्टॉक के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी मुझे दिखने को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर 10 दिन के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा। जो मेरा टारगेट दिखता है वो 575 रुपये तक का टारगेट दिख रहा है, दो वीक के अंदर ये 575 रुपये तक का टारगेट मुझे दिखता है। और लंबी अवधि तक इस स्टॉक के अंदर मुझे जो टारगेट दिखता है वो 630 से लेकर 780 रुपये तक का टारगेट दिखता है, ठीक है, 630 से 780 रुपये तक का टारगेट दिखता है। क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अंदर सिर्फ NPA के अंदर जो NPA है उसके अंदर बढ़ोतरी हुआ है, तो इसके कारण इस स्टॉक के अंदर आज तेज़ी तो देखने को मिला। जब भी NPA बढ़ता है तभी भी स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलता है, पर इसके अंदर कुछ ये इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी ये लोअर लेवल पे ये स्टॉक है चोला फाइनेंस, तो ये अंदर में अब कितना स्टॉक गिरेगा, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के अंदर 575 रुपये तक का टारगेट मुझे शॉर्ट टर्म अवधि के अंदर 2 से 3 वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। मे बी कल भी ये 5% तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, 5% तक का मोमेंटम कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको, मोमेंटम 5% तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। अगर किसी कारणवश गिरावट देखने को मिलता है चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो और इसको होल्ड कर सकते हो, और साथ में ही टारगेट आप 560 से लेकर 590 रुपये तक का रख सकते हो। साथ में ही कल अगर इंट्राडे प्लेयर से अगर किसी को बाई करना है तो कल 528 रुपये का लेवल, 528 रुपये का लेवल बाइंग ब्रेक करता है तो बाई करना है 540 के कॉल ऑप्शन को। और 528 रुपये को ब्रेक करता है तो पहला स्टॉक पहला टारगेट जो रखना है 534 रुपये का पहला टारगेट रखिएगा, दूसरा है 540 और तीसरा 545 रुपये तक का टारगेट को आप रख सकते हो इसके अंदर। मुझे लगता है कि कल आसानी से 5% तक का मोमेंटम देना चाहिए चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर। इस स्टॉक का नाम है DCM नोवेल लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने लगातार रिकमेंड किया है आप लोगों को कि ये DCM से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, देखिए DCM से रिलेटेड 3 कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, DCM लिमिटेड, राइट, DCM लिमिटेड, DCM फिनसर्व और DCM नोवेल, DCM नोवेल, DCM फिनसर्व और DCM लिमिटेड, इन चारों DCM से लेकर 3 इनकी सब्सिडरी कंपनियां हैं, तीनों DCM लिमिटेड, DCM फिनसर्व, DCM नोवेल और एक और कंपनी है, तीन या चार है, मुझे लगता है ये चार कंपनी इसकी अभी भी, इसके अलावा अभी भी 3 ऐसी सब्सिडरी कंपनियां हैं, ये तो कंपनी एक और है, 3 और सब्सिडरी कंपनी है। इन तीनों सब्सिडरी कंपनी को आप उठाइएगा, अपने वॉचलिस्ट के अंदर रखिएगा। मुझे लगता है कि इन चारों मतलब इसको मिलाकर चारों कंपनी के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये चारों की तेज़ी आपको एक अच्छा, इधर पिछले 1 मंथ का मतलब चार्ट पैटर्न देखिएगा DCM नोवेल लिमिटेड के अंदर, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या चार्ट पैटर्न है, 150 से लगातार इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो क्या जा रहा है, 220 रुपये, मतलब 70 रुपये तक का मोमेंटम, मतलब 56% तक का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है, 56 मोमेंटम, मतलब 1 मंथ के अंदर 56% तक का मोमेंटम देखने को मिला है, मतलब बढ़ा कितना है रुपया, 79 रुपीज़, तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिला है DCM लिमिटेड के अंदर, DCM फिनसर्व के अंदर और DCM
नोबेल के अंदर एक और है, मतलब मुझे उसका नाम नहीं याद आ पा रहा है, एक मिनट मैं उसको भी देख लेता हूँ। जब ज़ेरोधा के सर्च बार में जाइएगा या किसी के भी जिसका भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसके अंदर आप अगर टाइप कीजिएगा ना DCM, तो उससे जितनी भी सब्सिडरी कंपनियां होंगी वो सारे आ जाएंगे। एक चौथा जो कंपनी का मैंने बात किया वो DCM श्रीराम लिमिटेड है, वो DCM श्रीराम लिमिटेड याद रखिएगा, DCM श्रीराम लिमिटेड है वो चौथी कंपनी जो DCM श्रीराम, मतलब DCM श्रीराम लिमिटेड एक ऑलरेडी हाई पे है, मगर उसमें अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना कर पाते हो तो इन तीन कंपनियां DCM लिमिटेड, DCM नोवेला, DCM फिनसर्व, DCM फिनसर्व तो 2 से 3 रुपए के करीब में है और ये स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था जब 1 रुपए के करीब था और ये अभी 3 रुपए के करीब है, तो इन स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। मुझे लगता है कि इन स्टॉकों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल भी इन DCM नोवेला के अंदर रखिएगा, मैं कल भी इसके अंदर 5% तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस स्टॉक के अंदर और भी लंबी अवधि में इस स्टॉक के अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो मुझे फिर से मैं इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने, ये 5 डेज का जो रिटर्न देखिएगा करीबन 16% 17% तक का मोमेंटम है 5 डेज के अंदर। तो क्या कहना है, इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिला है और आगे भी एक अच्छी तेजी, अगर डेली चार्ट पर इस स्टॉक का पैटर्न देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए मैं डेली चार्ट के पैटर्न, DCM नोवेल के ये डेली का चार्ट पैटर्न है और डेली का चार्ट पैटर्न आपको देख सकते हो यहाँ से लगातार एक अप ट्रेंड में, ऐसा मतलब क्या है, लगातार इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिवनेस ही देखने को मिल रहा है और लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। तो मतलब क्या कहना है, इस स्टॉक के अंदर पहले से ही तेजी बनी हुई है। जब इस स्टॉक के अंदर पहले से तेजी कहा जाए तो मार्च अप्रैल से ही तेजी में है। ये देखिए 76 रुपीज़ से लगातार एक स्टॉक गया अपसाइड में, कुछ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद इस स्टॉक के अंदर फिर से तेजी देखने को मिला, फिर ये तेजी देखने को मिल रहा है ना, तो फिर से ये स्टॉक अगर कंसोलिडेट करता है इस प्रकार से तो कंसोलिडेट होगा, फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। आने वाले कमिंग डेज में इस स्टॉक के मतलब बहुत अच्छे टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये 220 रुपये इसके अभी तक के लाइफ टाइम हाई है इस स्टॉक के, ठीक है, 52 वीक हाई अभी तक इस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट मतलब 75 रुपीज़ के अंदर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, अभी 220 मतलब ऑल टाइम हाई पे है। अभी तक जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ ना तब से स्टॉक में अभी तक 220 रुपये का टारगेट ही नहीं लगा था, अब ये स्टॉक के अंदर 220 का टारगेट लग रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर अभी भी मोमेंटम है, अभी भी आप बाई करना साथ, अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर आप पैनिक हो जाओगे, मगर अगर फिर भी आप 5 से 10 से 20% का मोमेंटम मैं भी यहाँ से 260 रुपये तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे स्टॉक पे, मगर याद रखिएगा DCM लिमिटेड के अंदर भी एक अच्छी तेजी है, DCM फिनसर्व के अंदर भी तेजी है, तो उसको भी आप रखिएगा, DCM श्रीराम लिमिटेड के अंदर तेजी है, तो इन चारों सब्सिडी कंपनियों को आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो, याद रखिएगा। एक और स्टॉक है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर पहले भी रिकमेंड किया था, अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। ये Q1 का जो रिजल्ट्स है इलेक्ट्रा ग्रीन के ज़बरदस्त है, फारू है, मतलब 100% मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। तो इलेक्ट्रा ग्रीन के आने वाले कमिंग डेज के अंदर इसको अगर अभी भी बाई करके होल्ड करते हो ना, अगर दीपावली तक इस स्टॉक के मुझे लगता है 450 रुपये तक का टारगेट दीपावली तक, दीपावली से 450 से 500 रुपये तक का भी अचीव कर सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है इलेक्ट्रा ग्रीन और मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर मैं पहले से भी रिकमेंड कर रहा हूँ, बिहारी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो इलेक्ट्रा ग्रीन को पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, जब 200 के करीब था तब से लेकर अभी तक 50% से अबव तक का रिटर्न दे चुका है, अभी भी इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, बहुत अच्छा है। दीपावली तक इस स्टॉक के अंदर 500 रुपये से अबव तक का मैं टारगेट लग रहा है मुझे, जिस प्रकार से क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके इंडिकेट किए हैं, मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर फारू मतलब ज़बरदस्त मोमेंटम आगे वाले कमिंग डेज के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर कर सकते हो, बाकी शॉर्ट टर्म मोमेंटम कल भी हम 5% तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर, ठीक है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट अगर किसी कारणवश गिरावट दिखता है तो आप वहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रा ग्रीन को रखिएगा अपने वॉच लिस्ट के अंदर, कल 320 के अबव या 318 तो ये मुझे लगता ही है कि ओपन होगा, अगर किसी कारणवश से 318 पे ओपन हो जाए तो बाई करके होल्ड कर सकते हो आप 330 से 332 रुपये तक के टारगेट के लिए। इलेक्ट्रा ग्रीन बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर, मुझे लगता है एक्सपेक्टेड बहुत ही अच्छा टारगेट आने वाले हैं। साथ में ही कल रखना है आपको सीमेंस को अपने वॉच लिस्ट के अंदर,
सीमेंस को वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। 2000 के कॉल ऑप्शन को भी अगर आप बाई करना चाहते हो, 2000 के कॉल ऑप्शन सीमेंस के, तो भी बाई कर सकते हो कल के दिन में। अगर दो चार दिन के लिए होल्ड भी करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो। सीमेंस को पोजिशनली भी अगर आप 10 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो, मुझे लगता है कि 5 डेज के अंदर सीमेंस के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है, जो आपको 2100 रुपये तक का टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 2100 रुपये तक का टारगेट हमें 2100 और 2140 रुपये तक का टारगेट सीमेंस के अंदर करीबन 1 से 2 वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो सीमेंस को उठा सकते हो बाइंग करने के लिए अपने वॉच लिस्ट के अंदर। सीमेंस को अगर पोजिशनली बाई करना चाहते हो तो आप 2100-2150 के लिए, इसके अंदर इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, सीमेंस का, क्योंकि ये पोजिशनली इस स्टॉक के अंदर मुझे अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि सारे स्टॉक्स 2000 के अबव ट्रेड कर रहे हैं पर सीमेंस अभी तक 1900 के करीब में ट्रेड कर रहा है। मगर मैं इसके अंदर कुछ किसी कारणवश गिरावट दिख जाए ना तो इस स्टॉक के अंदर 1950-1940-1920 तो बहुत अच्छा पोटेंशियल इस स्टॉक को बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप वहाँ पे बाई करके होल्ड कर सकते हो। आप 2100 रुपये तक के टारगेट के लिए आसानी से वेट कर सकते हो। 2 वीक के अंदर आपको 2100 रुपया 2140 रुपये तक के टारगेट, मुझे लगता है कि कल कोई इंट्राडे ट्रेडर्स है तो आप इसको बाइंग कर सकते हो। मुझे लगता है कि 1980 के अब निकलता है तो बाइंग करो। 2000 के कॉल ऑप्शन को भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करो। इस वीक का मतलब इस मंथ का 2000 के कॉल ऑप्शन में एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है सीमेंस। मगर याद रखिएगा, कोई भी अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो सीमेंस को आप अपना सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, मगर मेरा जो स्टडी है मुझे अच्छा है लगता है, मैं आपको बता दिया। 2000 के कॉल ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट और 1980 के अब निकलता है तो आप बाई कर सकते हो। जो अगर आप कैश सेगमेंट में भी पोजिशनली और फ्यूचर में भी अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो सीमेंस को अच्छा रख सकते हो। मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर 2100 का रुपये का टारगेट आपको मिलता हुआ दिख सकता है। तो बस सीमेंस में मेरा है, मैं इसके अंदर सीमेंस के अंदर एक अच्छा मतलब वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना।